नमस्कार दोस्तों, स्टार मीडिया में आपका स्वागत है। हम आज ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि दो दिन पहले ही कांग्रेस से उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। तो जानते हैं उनसे क्यों और कहे किस लिए जो है उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। नमस्कार दीपक भानुसार जी। नमस्कार जी। आप जो है भाजपा में क्यों और किस लिए प्रवेश किया? देखिए, मैं भाजपा में 16 तारीख को प्रवेश किया। हमारे सांसद पुरुषोत्तम रूपाला जी आए हुए थे और गोपाल सेठी जी थे और जो हमारे 160 कांदीवली विधानसभा के क्षेत्र के कार्य सम्राट, जिनका काम बोलता है ऐसे, अतुल भाकरकर जी के नेतृत्व में मैंने भाजपा प्रवेश किया। तभी हमारी 36 वोट की नगर सेविका लक्षा पटेल जी भी थी। भाजपा प्रवेश मेरा बहुत टाइम से अतुल जी के नेतृत्व में बात हो रही थी कि आप आइए और हमारे साथ काम कीजिए। तो मैं चला, अपने मैं कांग्रेस में काफ़ी साल से था, मैं बोला ठीक है, अच्छी तरह से चल रहा है, चलने दो। बाद में जब देखा गया कि कांग्रेस में कई सालों से काम करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला गया, नहीं मिला उसका कोई दिक्कत नहीं, मगर कार्यकर्ता को जो मान सम्मान चाहिए वो वहाँ मिला नहीं। और वहाँ जो गुटबाजी चल रही है, इतनी बड़ी गुटबाजी चल रही है कि वहाँ छोटे कार्यकर्ता का तो एक मतलब वहाँ वो रह ही नहीं पाएगा। और अतुल जी के नेतृत्व में मैंने देखा, एक साल से वो कह रहे थे आ जाओ, मैंने देखा कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एरिया डेवलप हो रहा है, एरिया का काम कर रहे हैं। छोटी सी छोटी समस्या जो आज एक छोटा सा आदमी, जो वहाँ के कार्यकर्ता भी वहाँ जाते हैं तो अतुल जी उनका काम तुरंत करते। एक ही अभी बीच में एक जगह पे यहाँ खांडवाला लेन में जब एक बात थी, जो कुछ झुकड़े तोड़ रहे थे, तो बीच में अतुल जी गिरे और 90% ने 100% वो भी चुन के आ रहे हैं। और मेरा अंदाज है कि 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी सेना युति की 6 की 6 से चुन के आएगी, वो मेरा पूरा दावा है और गारंटी कर। क्यों? कि उनका काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है, अमित शाह का काम बोलता है, और जो 6 के 6 जो उम्मीदवार हैं वो काम करने वाले हैं और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा काम होगा, ये हमारी पूरी उम्मीद है कि 6 की 6 निकल जाएगी। अच्छा, आप इतने साल कांग्रेस पार्टी आपने काम किया तन मन धन से, तो कांग्रेस पार्टी ने आपको जो है नगर सेवक का टिकट नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा आपको टिकट देगी नगर सेवक? देखिए, एक साल से जब मैं अतुल जी के साथ में कांटेक्ट में था, उन्होंने कहा आइए, तो आज भी मैं काम देख के गया हूँ और वहाँ आज भी कोई उम्मीद पे कि भाई मुझे टिकट मिलेगी, मुझे कुछ मिलेगा, पद मिलेगा, वो हिसाब से मैं गया नहीं हूँ। क्यों? मुझे काम करना है। आज काम करोगे तो ही आपका कुछ आगे बढ़ोगे। और देखिए, काम करोगे तो फिर उनको जो सीट लगता है पार्टी के जो हित में होता है, पार्टी को जी राय होती है वो होता है। हम मैं कोई शर्त रख के कि कोई उससे मैं गया नहीं हूँ, खाली मैंने देखा काम करना है, काम करना है तो काम करना है। मोदी जी ने एक ही स्लोगन दिया है कि काम कीजिए, और हमारे अतुल जी का भी एक ही नारा है कि काम करो, काम करते जाओ, काम करोगे तो आगे आगे कुछ ना कुछ तो उनको अगर सही लगा तो करेंगे हमारे लिए कुछ ना कुछ। आपकी एक संस्था है जय माता दी ग्रुप, इस संस्था के माध्यम से क्या 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 काम करते हैं? देखिए, इन संस्था के माध्यम से हम लोग का जय माता दी ग्रुप से बहुत बड़ा काम होता है हमारा। जब गणपति के जब लास्ट दिन मलाड ईस्ट में दफ्तरी रोड पे हम प्रसाद रखते हैं, शरबत का, जब लास्ट दिन रहता है तो शरबत का प्रसाद रखते हैं। और एक तो बड़ा प्रोग्राम हम लोग वो भी करते हैं, जो साइकिल जाती है वो नवरात्रि के अंदर 120 साइकिल यहाँ से चला के आशापुरा माता के मढ़ जाती है और उनको वहाँ 6 दिन लगता है पहुँचते, पहले नवरात्रि में वहाँ पहुँच जाती है। तो हम लोग यहाँ जो अभिनय मॉल के सामने सामजी बापू का जो हॉल है वहाँ हम एक प्रोग्राम रखते हैं, 1000 आदमी का प्रसाद रहता है, महाप्रसाद रहता है। साइकिल दादर से 120 साइकिल यहाँ आती है, यहाँ हम उनका सम्मान करते हैं। और जो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो संस्था के जो वरिष्ठ जो है वो भी आते हैं और उनके माध्यम से यहाँ प्रसाद का वितरण होता है। और लास्ट में 11:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म होता है तो साइकिल भीड़ जो 120 साइकिल वाले
साइकिल चला के अपने आशापुरा मठ जाते हैं। मगर एक है हर किलोमीटर, मतलब यहाँ से वसई पोईसर हर जगह उनको एक टेंट है, वहाँ उनका जो आश्रय मिलता है, प्रसाद मिलता है, आराम कीजिए। अगर वो माता के मठ 30 किलोमीटर पहले पहुँचते तो एक एक किलोमीटर पे टेंट लगे हैं, जो वहाँ पे हमारे भी एक टेंट लगा, मैं भी एक टेंट लगाता था, मैंने बहुत सारे टेंट लगाए इस माध्यम से, और टेंट में हम लोग पूरी सेवा करते हैं। और जो जो आते हैं साइकिल वीर, जो पैदल भी आते हैं, उनका जो जो सेवा करते हैं, और वहाँ खाना रहता है पूरा 24 घंटा गरम गरम खाना हर एक टेंट में मिलता है। तो ये माध्यम से हम जय माता दी ग्रुप के माध्यम से कुछ न कुछ करते रहते हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जैसे माता की चौकी का प्रोग्राम होता है, वो भी हम करते हैं। और अगर कोई गरीब आदमी आता भी है छोटा ऐसा कोई, तो कुछ काम अगर उसका फी का कुछ काम है तो वो भी हम जय माता दी ग्रुप से हम करते हैं। अच्छा, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इस दौर में भी कल संडे एक ही दिन बाकी है, मंडे वोटिंग होने वाली है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश दूंगा, जनता को भी मालूम ही है कि इतने सालों से कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार थी, क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए जनता को पूरा मालूम है। और जनता को भी आगे सोचना है कि हमें किसको चुन के लाना है, क्योंकि देखिए आज जो नए नए वोटर आए हैं सब एजुकेटेड आए, और सब आज 20-25 साल के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे, तो उनको मालूम है किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। क्योंकि अभी ऐसा हो गया, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और काम और दूसरा है कि मोदी जी के राज में जो काम करता है उसको टिकट मिलती है। आपने देखा होगा कहीं की टिकट कट भी गई है, सिटिंग वाले की भी कट जाती है, क्योंकि काम नहीं किया तो कम उसकी टिकट कट जाती है। तो मैं जनता से यही कहूँगा कि जो काम कर रहे हैं आप उनको चुन के लाइए, सोच समझ कर वोटिंग कीजिए। मगर एक है, वोटिंग जरूर कीजिए मगर सोच समझ कर एकदम, क्योंकि ये एक वोट आपका पूरी विधानसभा हिला सकता है, पूरी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूशन हिला सकता है, एक वोट इतना कीमती है। तो आप मेहरबानी करके जो भी वोट दीजिए वोट कीजिए, मगर वोट ऐसा कीजिए जो आपका काम करता रहे, आपके एरिया में काम करता रहे, महाराष्ट्र की प्रगति का सोचता रहे, उसे आप वोट कीजिए। अच्छा, डिंडोसी विधानसभा में आपका ये ऑफिस है, तो यहाँ से शिवसेना भाजपा यूटी उम्मीदवार सुनील प्रभु जी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ? देखिए, सुनील प्रभु जी महापौर थे और ग्राउंड से आए हुए हैं, नगर सेवक थे, फिर महापौर बने। मेरे आशापुरा के जो प्रोग्राम आपको मैंने जो बताया जय माता ग्रुप से होते हैं, उन्होंने उसमें उन्होंने दो बार आए हुए हैं, आशापुरा का आशीर्वाद लिया हुआ है। और सुनील प्रभु जी एक ऐसे दमदार, ऐसे कार्य सम्राट, ऐसे डैशिंग नेता हैं, जो कभी भी आधी रात को भी वो जनता के लिए खड़े होते हैं। और आपने जब पूछा कि यहाँ सुनील प्रभु जी का क्या होगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि महायुति शिवसेना भाजपा के सुनील प्रभु 101% चुन के आएंगे, और कोई इसमें संदेह नहीं, क्योंकि सब जनता, पूरी जनता, जैसे गुजराती रेवे, मारवाड़ी रेवे, फिर ये महाराष्ट्रीय रेवे, उत्तर भारतीय रेवे, मोमेडियन रेवे, सब उनके साथ है। क्योंकि आपको मैंने अभी भी बोला कि अच्छा डिंडोसी विधानसभा सुनील प्रभु चुन के आएंगे, और मैं तो कहता हूँ अभी से उनको विजय की बधाई दी जाए। बहुत 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 धन्यवाद स्टार मीडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ समाज सेवक और उद्योगपति और अभी हाल में भाजपा में प्रवेश किए श्री दीपक भानवाली जी। ऐसे ही अब अगले हफ्ते किसी खास कार्यक्रम में और खास व्यक्ति से मुलाकात करेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। कैमरामैन दिनेश परसे के साथ श्याम जी मिश्रा, स्टार मीडिया न्यूज।